हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी आज पुनः उपस्थित हूँ आप सबके साथ एक नए नाटक को साझा करने के लिए। आज हमारे नाटक का नाम है आधे अधूरे, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1969। मोहन राकेश जी ने दो अन्य महत्वपूर्ण नाटक भी लिखे हैं, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963। आधे अधूरे नाटक में मोहन राकेश जी द्वारा समाज की विसंगतियों से जूझते हुए एक परिवार का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने वैवाहिक जीवन में एक स्त्री सावित्री के माध्यम से पूर्ण पुरुष की खोज को दर्शाया है। आधे अधूरे मोहन राकेश की तीसरी नाट्य कृति है, जिसमें समाज की विसंगतियों से जूझने का सीधा प्रयास किया गया है। मोहन राकेश जी द्वारा लिखित यह सबसे बेहतरीन नाटक है। इस नाटक को हम दो भागों में समझेंगे। पहले भाग में हम नाटक के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और कुछ कथनों और उद्धरणों की चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में हम आपके साथ नाटक की कथा वस्तु की समीक्षा करेंगे। वैवाहिक जीवन में पूर्ण पुरुष की खोज असंभव है। महेंद्रनाथ और सावित्री का वैवाहिक जीवन इस नाटक में राकेश जी ने प्रस्तुत किया है। सावित्री को लगता है कि उसके पति का व्यक्तित्व अधूरा है। पूर्णता की खोज में वह जितने भी अन्य पुरुषों के संपर्क में आती है, सब में उसे कोई न कोई कमी दिखाई पड़ती है और अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पूर्णता किसी में नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। नाटक में प्रमुख रूप से विघटन की प्रक्रिया का अंकन है। यह विघटन व्यक्ति, परिवार, समाज, देश सर्वत्र में व्याप्त है। आधुनिक नारी सावित्री जीवन के सभी भौतिक सुखों व साधनों को संचित करना चाहती है। अनेक प्रयास करने पर भी जब उसका पति महेंद्रनाथ वह सब नहीं जुटा पाता, तो पति के इस असमर्थता को वह उसका अधूरापन मान लेती है और अन्य पुरुषों में पूर्णता का आभास पाकर उनकी ओर आकर्षित होती है, किंतु अंत में थककर हारकर वह पुनः वापस लौट भी आती है। किंतु वह जिसके भी संपर्क में आती है वह उसे अधूरा पाती है। किसी में एक दृष्टि से अधूरापन है तो दूसरे में कोई और अधूरापन। तब सावित्री इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, सब के सब एक से हैं, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही। सावित्री के संपर्क में आया चौथा पुरुष मिस्टर जुनेजा कहता है, तुम्हें लगता है तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से हटकर बाएं, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने में, क्या सचमुच कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें? आधे अधूरे नाटक का प्रत्येक पात्र खंडित व्यक्तित्व लिए हुए है। पति पत्नी के बीच का तनाव एक आम बात है। इस नाटक के नायक नायिका में यह तनाव इस सीमा तक है कि घर बिखरने की नौबत आ गई है। वह एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। पति पत्नी के मध्य क्या कुछ घटित होता है, इसका वर्णन बड़ी बेटी इन शब्दों में करती है। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता है यहाँ। टैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, बंद कमरे में उन्हें पीटना, मैं तो बयां भी नहीं कर सकती कि कितनी भयानक भयानक दृश्य इस घर में देखे हैं मैंने। इस प्रकार बड़ी बेटी के इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि घर की स्थिति कैसी है। बड़ी लड़की घर से भाग चुकी है और शायद इसी वजह से छोटी बेटी बहुत गुस्ताख गुस्सैल किस्म की हो गई है, क्योंकि वह इन बातों को सामाजिक रूप से फेस करती है और उस पर एक दबाव है सामाजिक। माता पिता की कोई बात नहीं सुनती, लड़का बेरोजगार है और बाप भी बेकारी झेल रहा है। घर चलाने का पूरा जिम्मा नायिका सावित्री के कंधों पर है। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य वर्तमान मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगति को प्रस्तुत करना है।
नाटक में चित्रित परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अधूरेपन के दंश से पीड़ित है, किंतु विडंबना यह है कि वह दूसरों को अधूरा और अपने को पूर्ण समझता है। इस नाटक में जो परिवार चित्रित किया गया है उसके पात्र स्त्री पुरुष बच्चे सभी अपने अपने ढंग से जीते हुए अपनी कामनाओं एवं आकांक्षाओं का बोझ लिए हुए टूटते और बिखरते हैं। वे अपनी मनमर्जी से दिशाहीन एवं क्रियाशील होकर जी रहे हैं। सभी में अविश्वास, कुंठा, संशय, हीनता एवं विघटन के भाव हैं। सब अपने अपने स्तर के अस्तित्व के प्रति सजग हैं और आधे अधूरेपन का भाव लिए अंततः जी रहे हैं। नाटक की नायिका सावित्री का तर्क है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को अधूरा समझता है और उस अधूरेपन को भरने के लिए वह पूर्णता की तलाश में भटकता है। घर बसाना, विवाह करना भी ऐसा ही एक प्रयास है, किंतु विवाह करने के उपरांत यदि उसे लगे कि उसका अधूरापन अभी तक कायम है और वह दूसरे के अधूरेपन को भरने मात्र का एक उपकरण है, लोग उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मन में जो आक्रोश उत्पन्न होता है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे लगता है कि उसका पति महेंद्र भी यही कर रहा है। सावित्री के संपर्क में आया चौथा पुरुष जुनेजा अच्छी तरह जानता है कि सावित्री अस्थिर बुद्धि वाली नारी है और एक जगह टिक कर रहना उसके लिए संभव नहीं है। वह सावित्री से साफ कहता है, तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह नहीं मिल पाता, इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। बहुत कुछ पाने के लालच में व्यक्ति प्राप्त को भी खो बैठता है। वे सावित्री के मन का विश्लेषण करते हुए उसे समझाते हैं, चौथे पुरुष जो उसे मिलते हैं मिस्टर जुनेजा, कि तुम अपनी मुट्ठी में कितना कुछ एक साथ भर कर लेना चाहती थी, परिणाम यह हुआ कि तुम्हारी मुट्ठी में जो था वह भी धीरे धीरे फिसलता गया। महेंद्र सावित्री को पति रूप में प्राप्त था, पर वह तो और भी कुछ पाना चाहती थी, परिणाम यह हुआ कि महेंद्र भी उसके हाथ से निकल गया। सावित्री के मन में एक भय और भटकन व्याप्त हो गई, उसका मन संकालु हो गया, असुरक्षा की भावना उसके मन में घर कर गई और वह अपनी पूर्णता की तलाश में इधर उधर भटकने को बाध्य हो गई। लेखक मोहन राकेश ने यहाँ सावित्री और महेंद्र के कथानक के माध्यम से मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों के टूटने को अभिव्यक्त किया है। दूसरे भाग में मित्रों हम इस नाटक यानी आधे अधूरे की कथावस्तु को समझेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।